I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1, that is PP405T. So dear students, in this video tutorial we are going to cover yet another topic of unit number 1, that is the classification of crude drugs. So in our syllabus we have alphabetical classification, morphological, taxonomical, chemical, pharmacological, chemo and serotaxonomical classification of crude drugs. So without wasting any time further, let's start the topic classification of crude drugs. So at the end of this video lecture, you will be able to know about different classification of crude drugs. So first of all, we have alphabetical classification. Very simple. As the name indicate, alphabets ke hisab se classify kar denge. Kisko? Crude drugs ki baat ho rahi hai. So the crude drugs, yes, the drugs which are obtained from the nature, from the natural sources in the raw form. So drugs, the crude drugs are arranged according to the alphabetical order by their Latin and the English names. Some of the pharmacopoeias, I hope you know about the pharmacopoeias also. Jaise IPBP USP, Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia, United States pharmacopoeia, British herbal pharmacopoeia, Ayurvedic pharmacopoeia of India, API. Agar hum pharmacognosy ki baat karenge, we have to remember about the API, that is Ayurvedic pharmacopoeia of India. तो कई फार्माकोपियाज हैं जिसमें हमने अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को फॉलो किया. इसमें ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई किया गया? अपॉन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स. जैसे ए वाली ड्रग सबसे पहले ए में आ गई, फिर बी सी डी ई. तो चलिए देखते हैं कुछ एक फार्माकोपियाज. इफ यू टॉक अबाउट द आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, तो आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया वो पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष. सो अगर हम इसका कंटेंट्स देखें, ये फार्माकोपिया है बेसिकली 183 पेजेस का. तो यस, ए वाली ड्रग ए में है, बिल्कुल अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन फॉलो की गई है. लेकिन इस आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में हमने संस्कृत और इंग्लिश हिंदी नेम से, इंग्लिश में नहीं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया में तो हमने पढ़ा कि हम देखेंगे कि इंग्लिश वाली ड्रग्स या जो ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया उसमें जो ड्रग का लैटिन नेम है वहां से स्टार्ट हुआ. लेकिन आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में आप देखिए, जैसे कि अजगंधा, अजमोदा, आमलकी, आमलकी, अर्गवदा, अर्का, असना, अशोका, अश्वगंधा, अतासी, अतिबाला, बाकुची, भवितक, बिल्व, ये सारे आयुर्वेदिक नेम्स हैं. बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. आप एक बार देखेंगे डिटेल में तो आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे अशोका, अशोका इज वेरी कॉमनली यूज आयुर्वेदिक प्लांट, इसका नाम है सराका अशोका. तो ए वाली ड्रग्स यहां पे आ गई. अश्वगंधा बहुत कॉमन यूज प्लांट को यूज करते हैं आजकल, इवन टीज में भी, चाय में, चाय पत्ती में भी अश्वगंधा ऐड कर लिया. तो अश्वगंधा डानिया सोमनीफेरा वाइडली यूज एज इम्यूनोमोडुलेटर, तो ये अश्वगंधा है. ओके, जैसे फिर बी वाली आ गई बबूल. अकेशिया हमने प्लांट देखा, तो अकेशिया की एक स्पीशीज है अकेशिया निलोटिका, उसको हम बबूल बोलते हैं, जो कि हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए. जैन सी वाली आ गई यहां पे डी ई. ओके, जैसे गुडुची हमने एक प्लांट देखा, गुडुची गिलोय, टाइनोस्पोरा कोडिफोलिया, ये आपको याद रखने हैं. हरड और हरिद्रा, हरिद्रा क्या है? हल्दी. हरिद्रा क्या नाम है? संस्कृत नेम. तो हर कुरकुमा लोंगा इसका बोटेनिकल नेम है. उसी तरह से हिंगू, संस्कृत में हम, हिंदी में हम हींग को हिंगुल बोल देते हैं. जैसे स्फेरुला फोइटुडा उसका बोटेनिकल नेम है. वैसे जटामांसी, जतिफला, ऐसे करते करते ये सारे के सारे आपके, आप देख रहे हैं फार्माकोपिया में ये अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन दे रखी. किसमें? आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, द ड्रग्स आर क्लासिफाइड, द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्लांट और एनिमल्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड इन द फाइला, ऑर्डर, फैमिलीज, जेनरा, स्पीशीज, सब स्पीशीज. अब ये क्या चीज है? किसी भी प्लांट को, जैसे आपने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर आप लोगों ने सुना है, वैसे किसी भी प्लांट को क्लासिफाई किया गया है उसके फाइला के हिसाब से, ऑर्डर, किस ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है, किस स्पीशीज, सब स्पीशीज, जेनरा, एसेट्रा. से फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको स्पीशीज दिख रहा है, देन जीनस आ गया, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. तो फ्रॉम लोएस्ट टू हाइएस्ट ये चलेगा. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. What is the taxonomical order? This is the linear system of classification. तो देखिए सबसे नीचे species, अगर हम ऊपर जाएं, उल्टा जाएं, तो genus, family, order, class, phylum and kingdom.
तो वन ऑफ द वे ऑफ द क्लासिफाइंग ऑफ द लिविंग थिंग इज बेस्ड और गिवन बाय द लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट्स ऑर्गेनिज्म इनटू द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स दैट इंडिकेट देयर नेचुरल रिलेशनशिप. तो यस द क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द बोटेनिकल क्लासिफिकेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज द बोटेनिकल क्लासिफिकेशन. So a large number of the plant families have been distinguishing characteristics that permit crude drugs from these family to be studied at one time. अब ये classification, इस classification में ऐसा क्या खास था? जैसे आप example से समझिए, एक example दे रखा है plant का नाम है यहाँ पे Glycyrrhiza, plant का नाम है Liquorice, commonly हम बोलते हैं इसको Liquorice, मुलेठी बोल देते हैं हम इसको commonly मुलेठी. तो इसको किस तरह से divide किया गया इस plant को? जैसे फाइलम, किस फाइलम से बिलोंग करता है ये Glycyrrhiza प्लांट? सो ये प्लांट है बेसिकली Liquorice प्लांट. इस प्लांट को डिवाइड करते हैं हम एज पर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले फाइलम ले लिया, किस फाइलम को बिलोंग कर रहा है? स्पर्मेटोफाइटा. स्पर्मेटोफाइटा, तो हर एक चीज का एक मतलब है. स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है? दो तरह के प्लांट किंगडम में प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैमी और फेनिरोगैमी. मतलब कई होते हैं सीड बेरिंग प्लांट, कई होते हैं स्पोर बेरिंग प्लांट. तो स्पर्मेटो भी क्या है? ये बेसिकली सीड बेरिंग प्लांट की कैटेगरी में आता है, स्पर्मेटोफाइट्स. देन डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट. एक होता है जिम्नोस्पर्म, दैट इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें फ्लावरिंग फ्लावर्स नहीं होते. देन किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? डाइकोट मतलब टू कोटिलिडंस. किस ऑर्डर को? रोजेल्स. फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी. इसकी सब फैमिली क्या है? पेपिलोनेसी. जीनस Glycyrrhiza, स्पीशीज Glabra. तो प्लांट का नाम क्या बन गया? Glycyrrhiza Glabra, बिलोंगिंग टू द फैमिली Leguminaceae. ओके, तो दिस इज द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एज पर टैक्सोनॉमिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो आई होप दिस इज क्लियर. अगर आपको दिक्कत है कि डाइकोट क्या है, मोनोकोट है, तो डू टेल मी, आई विल टेक अ सेपरेट क्लास. जैसे डाइकोट मोनोकोट क्या है? डाइकोट मतलब वन कोटिलिडन. जैसे आपने मक्खी का दाना देखा है या चावल है, चावल क्या है? सिंगल कोटिलिडन है, वो दो पार्ट्स में नहीं टूटेगा. लेकिन अगर जैसे डाइकोट मतलब दो कोटिलिडन, दो पार्ट्स में टूटेंगे. मोनो मतलब वन, डाइकोट मतलब टू. ओके, इसको एक बार क्लियर कर ही लेते हैं. अगर हम प्लांट की बात करें कि एक प्लांट डाइकोट है या मोनोकोट है, तो उसके कुछ करेक्टर्स होंगे. जैसे मोनोकोट, आप दिमाग में मोनोकोट रखे, जैसे कि चावल और मक्की, मोनो मतलब वन, इसमें सिंगल कोटिलेडन होगा. मैं कोटिलेडन में दिखाऊंगा आपको. अब इस प्लांट में जड़ें कैसी होंगी, इसकी रूट कैसी होंगी? इस तरह से एक ही पॉइंट से, एक पॉइंट है यहां से सब कुछ निकल गया, दैट इज द फाइब्रस रूट सिस्टम. जैसे हियर सपोज ये एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से सब कुछ निकल गया, सारी की सारी रूट्स निकल गई, दैट इज नोन एज द फाइब्रस रूट सिस्टम. तो इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम, इसके पत्ते कैसे होंगे इस प्लांट के, मोनोकोट के? तो दिमाग में रखिए मक्की, पैरेलल वेन्स, उसकी वेनेशंस कैसे होंगी? उसमें वेन्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी, एक इधर एक इधर एक इधर, पैरेलल टू इच अदर. और फ्लावर्स कैसे होंगे? मल्टीपल ऑफ थ्री, एक दो तीन पेटल्स में. ठीक है, डाइकोट में क्या होगा? टू कोटिलेडन रूट सिस्टम, टैप रूट, जैसे गाजर और मूली, टैप रूट सिस्टम. ओके, पत्ते कैसे होंगे? नेट लाइक. और फ्लावर्स कैसे होंगे? फोर और फाइव का अरेंजमेंट रहेगा. तो एक बेसिक डिफरेंस है. अगर आप सीड की बात करें, ये देखिए, अगर सीड की बात करें तो बीन, यहां पे बीन का एग्जांपल दिया, जैसे राजमा है, तो उसका सीड दो भाग में टूटेगा, जिसको हम बोलेंगे डाइकोट. और अगर एक मक्की है तो वो एक सिंगल सीड रहेगा, जैसे कॉर्न सीड, मक्की का एग्जांपल दिया, इट इज द मोनोकोट. तो सीड के अलग अलग पार्ट्स हैं, ये अभी आपके सिलेबस पे नहीं है, लेकिन हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए कि मोनोकोट और डाइकोट एक्चुअली होता क्या है. तो इतना आप याद रखें कि मोनो मतलब वन सिंगल, डाइकोट मतलब टू पार्ट्स में टूट जाएगा ये सीड, जैसे कि आपका ये दो भाग में टूट जाएगा. मूंगफली है, बादाम है, वो सारे के सारे आपके डाई दो में आएंगे, मोनो मतलब वन. ओके, तो इस चीज को आप क्लियर कर लें. तो अगर पीछे मैंने अगर रिवर्स में बोल दिया तो उसको आप क्लेरिफाई कर लें. ओके, तो कई बार लाइव सेशन में हो जाता है ऐसा. तो मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडन है, डाइकोट में दो कोटिलेडन रहेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए. सो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा? अपॉन द मॉर्फोलॉजी, ठीक है, द क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप टूगेदर according to the part of the plant or the animal represented in the organized and unorganized crude drug. जैसे बिल्कुल सिंपल है, सीड वाली जो ड्रग्स यूज होती है, जिस जिन ड्रग्स का हम सीड यूज करते हैं, वो हमने सीड की कैटेगरी में डाल दीजिए कि सबका सीड यूज होता है. जैसे लीव्स का, जिसका लीफ यूज हो रहा है, लीफ में डाल. सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखिए, आप सफेदा, यूकलिप्टस यूज करते हैं, उसका लीफ यूज करते हैं. वसाका,
या डिजिटलिस्ट या सेना, इन सब के हम लीफ यूज करते हैं। चलिए इसको बिल्कुल कॉमन एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने शायद ये प्लांट्स के बारे में ज्यादा आपको पता नहीं है। जैसे एग्जांपल देखें हम फ्रूट्स के, तो फ्रूट्स में कोरिएंडर, धनिया आपने देखा है, धनिया का फ्रूट यूज करते हैं। सौंफ आपने देखी है, सौंफ का भी फ्रूट यूज करते हैं, तो वो हमने एक कैटेगरी में डाल दी। ये बेल क्या है, ये भी बहुत ही कॉमन प्लांट है, लेट मी शो यू द फोटोग्राफ। तो ये एगल मार्मिलोस करके एक नाम है, एगल मार्मिलोस, तो बिल्व फल इसको बोलते हैं। बहुत ही कॉमन, वाइल्डली फाउंड इन इंडिया और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। ज्यादातर इसको कंज्यूम हम नहीं करते क्योंकि जंगलों में होता है, तो ज्यादातर हमें पता ही नहीं है इस फ्रूट के कितने बेनिफिट्स है, एंटी डायबिटिक है। तो बेल फ्रूट को हमने फ्रूट की कैटेगरी में डाल दिया। उसी तरह से जिन प्लांट्स का हम बार्क पार्ट यूज करते हैं, छाल यूज करते हैं, जैसे सिनकोना, कुर्ची, सिनेमन, चलिए तीनों प्लांट देख लेते हैं। सिनकोना, तो दिस इज द बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना की छाल है ये, आउटर कवरिंग बार्क। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, कुर्चीज का नाम है, होलारियाना एंटीडाइसेंट्रिका। तो आपको बोटेनिकल नेम याद रखने की अब आदत डालनी है। तो ये कुर्ची की बाल है, कुर्ची की छाल है, बार्क जिसको हम बोल रहे हैं। और थर्ड है आपका, हम अर्जुन की भी बार्क यूज करते हैं, अर्जुन एक प्लांट है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसकी भी हम छाल यूज करते हैं, मतलब बार्क यूज करते हैं। एक और छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बार्क और हर्टवुड में क्या डिफरेंस है। जैसे सपोज ये पेड़ है, तो इसकी जो आउटर लेयर है ये वाला, इसे हम बार्क बोलेंगे, और जो अंदर सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट पार्ट होगा, इसे हम हर्टवुड बोल देते हैं। देखिए जैसे हर्टवुड ये अंदर वाला, और बाहर वाला क्या होगा, बार्क, जो रफ जैसा पोर्शन है जिसको हम बार्क बोलेंगे बाहर वाले को, अंदर वाले को बोल देंगे हम हर्टवुड। तो ये दो चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, जैसे बार्क के एग्जांपल्स हमने देख लिए। वुड मतलब हर्टवुड की बात हो रही है, चंदन का पेड़, चंदन का पेड़ का भी क्या यूज होता है, हर्टवुड यूज करते हैं हम। वैसे फ्लावर्स हैं कई, जैसे क्लव में फ्लावर बर्ड पार्ट है, केसर है, आर्टिमिसिया है, ये कॉमनली फ्लावर्स की कैटेगरी में इनको डाल दिया एज पर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे जिन ड्रग्स से हमें लेटेक्स मिलता है, जैसे हमने दो एग्जांपल किए थे अभी, अफीम ओपियम का और पपीते का, पपायन, तो हमने ओपियम और पपायन को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, पपाया को, जिससे हमें ड्राइड लेटेक्स इससे हम निकालते हैं। उसी तरह से रेजिन भी हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया है, तो रेजिन को हमने रेजिन की कैटेगरी में ड्रग्स में डाल दिया, जैसे बेंजोइन और एसाफोटिडा। एसाफोटिडा क्या है, हींग, तो हींग भी हमें एक रेजिन की फॉर्म में मिलता है। तो दिस इज योर हींग, एक रेजिन है। उसी तरह से एक और प्लांट है बेंजोइन, तो बेंजोइन भी एक रेजिन की कैटेगरी में ड्रग आती है। तो कोशिश करें इसमें आप याद रखने की मैक्सिमम प्लांट्स। तो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने मॉर्फोलॉजिकल कर ली, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया। नेक्स्ट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड वन, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट जो क्लासिफिकेशन है, जिसको हमने मान रहे हैं, जिसको लेके हम चलते हैं, दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए कोई भी ड्रग है, सपोज आपने सुना होगा कि ये ड्रग जो है वो डायबिटीज में यूज हो रही है, क्यों, क्योंकि उस ड्रग के अंदर ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं, ऐसे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी वजह से उस ड्रग का वो एक्शन है। तो केमिकल कंपोजिशन और द केमिकल क्लासिफिकेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड वन, बिकॉज जो भी कुछ ड्रग में हो रहा है वो सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से ही हो रहा है, क्लियर है। और अगर किसी, सपोज अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रोल क्या है, सपोज आपने ड्रग, आपने कोई प्लांट ग्रो किया, उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, मतलब उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अच्छे से ग्रो, अच्छे से ऑब्टेन नहीं हुए, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुए। और अगर आपने उसी प्लांट में से कोई मैन्युफैक्चरिंग कर दी है ड्रग की और उसको कंज्यूम कर लिया है, तो इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉपर आप लोगों के केमिकल कंपोजिशन नहीं बने। तो ये सारी चीजें हम कल्टीवेशन कलेक्शन में पढ़ेंगे, इसलिए ड्रग को कल्टीवेट करना, उसको किस तरह से क्या क्या मेथड्स है, एनवायरमेंट का क्या रोल है और उसको कलेक्ट करने का क्या सही समय है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी उसकी एफिकेसी हो सकती है, अदरवाइज कुछ ना कुछ वेरिएशन हमें आएगा ही आएगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जस्ट हियर, द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्यों, बिकॉज एक क्रूड ड्रग के अंदर बहुत सारा मिक्सचर है, किसका, केमिकल कॉम्पोनेंट्स का, केमिकल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स का। एक ही क्रूड ड्रग के अंदर आपको अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट्स देखने को मिलते हैं। आपको यहां पे एक चीज याद रखनी है, आपका सिलेबस निकालते हैं, आपके सिलेबस में जैसे यूनिट नंबर 4 में आपको याद रखना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताया गया। तो प्लांट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, हम डिटेल में भी करेंगे जब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे जाएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें, व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स,
प्राइमरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट विच प्लांट कैनोट सर्वाइव. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दोस मेटाबोलाइट्स विच डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट एंड विदाउट विच प्लांट कैनोट सर्वाइव. क्लियर है, समझ आ गया. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर दोस मेटाबोलाइट्स विच डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन बट दे प्रोवाइड डिफेंस, दे बिल्ट द डिफेंस मैकेनिज्म टू द प्लांट एंड विदाउट विच प्लांट कैन सर्वाइव. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए खाना बहुत जरूरी है, वैसे ही प्लांट्स के बिना, प्लांट्स को भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स चाहिए. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि उसका डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे, जैसे हर्बी हो रही है. अब आपने कभी सोचा है कि ये प्लांट्स में थॉर्न क्यों डेवलप हो गए? देखिए कुछ चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूं कि नेचर में जो भी कुछ हो रहा है हर एक चीज का मतलब है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साइनोबैक्टीरिया आए, फिर धीरे धीरे प्लांट्स बने, कॉमन लोअर प्लांट्स है जिसके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं था. प्रॉपर सिस्टम नहीं था का मतलब क्या है? उनके पास प्रॉपर रूट सिस्टम नहीं था, शूट सिस्टम नहीं था, वैस्कुलर सिस्टम नहीं था प्रॉपर. प्लांट का वैस्कुलर सिस्टम क्या है? जाइलम और फ्लोएम. जैसे ह्यूमन का वैस्कुलर सिस्टम ब्लड है, वैसे प्लांट में जाइलम और फ्लोएम काम करते हैं. ओके, जो फूड और वाटर को पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. वैसे ही एवोल्यूशन में धीरे धीरे कई प्लांट्स ने अपने अंदर स्पाइन डेवलप कर ली. क्यों? पानी की कमी से बचने के लिए, हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस होता है प्लांट से, उसलिए प्लांट्स में कई प्लांट्स में स्पाइन्स है. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, हर्बीवोरी कंज्यूम नहीं करेगी. कई जानवर प्लांट्स को कंज्यूम करते जैसे हम हर्बीवोरस बोलते हैं. तो कई प्लांट्स ने अपने अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर लिए, कई प्लांट्स ने अपने अंदर थॉर्न प्रोड्यूस कर लिए, क्योंकि नेचर का सिद्धांत क्या है? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट. देखिए इस कोविड पीरियड में भी चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, उसकी बात हो रही है. अगर हम पूरे फिजिकली फिट हैं तो वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकता. अगर हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड या अदर कोई डिजीज है, तो दिक्कत है. तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर जगह सिद्धांत फिट हो रहा है अभी भी. तो प्लांट्स ने भी अपने अंदर टाइम विद एवोल्यूशन धीरे धीरे चीजें इवॉल्व की, कि प्लांट पॉइजनस बन गए. तो बताने का मतलब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में प्लांट्स ने क्यों बनाए? अपने आप को बचाने के लिए. किससे? अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स, हम भी पढ़ेंगे डिटेल में. फिलहाल आप इतने याद रखें, एग्जांपल्स क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, जैसे एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल और रेजिन्स, ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ओके, तो अपने सब्जेक्ट पे आते हैं. तो केमिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड इंटू, एज पर दिस क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? बिकॉज प्लांट के अंदर मिक्सचर है किसका? फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स का. इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उस प्लांट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, हमने उसके बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई करना है. ओके, एक प्लांट के अंदर एल्कलॉइड भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, टैनिन्स भी हो सकते हैं, लेकिन उस प्लांट को कैसे क्लासिफाई करेंगे? जिस कंपाउंड की वजह से उस प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, यूज है, फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई करना है. तो ये चीज आपने याद रखनी है केमिकल क्लासिफिकेशन में, इस चीज को भूलना नहीं है, क्योंकि प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स का, इसलिए हमने वो वाला एक लाइन लिखी गई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट जिसकी वजह से उस प्लांट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा. ओके, ओके, नेक्स्ट लाइन इज द, सिंस फार्माकोलॉजी एक्टिविटी एंड द थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रूड ड्रग्स आर बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट वुड अपियर दैट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग इज द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टडी. क्यों भाई, क्यों केमिकल क्लासिफिकेशन मोस्ट प्रेफरेबल स्टडी है? बिकॉज प्लांट का जो फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक यूज है वो केमिकल की वजह से है, इसीलिए केमिकल क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट प्रेफर्ड वन. लेकिन केमिकल भी कैसे है? मिक्सचर में प्रेजेंट है. हमने किस हिसाब से केमिकल क्लासिफिकेशन की गई है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल क्वेश्चन. मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जिसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट का रोल है. ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, प्लांट्स की यूज भी अलग अलग है. एक प्लांट डायबिटीज में भी यूज हो रहा है और जनरल टॉनिक भी और जनरल हेडेक में भी यूज हो रहा है सपोज, या स्टमक एक में भी यूज हो रहा है. तो प्लांट के अंदर डाइवर्स केमिकल प्रेजेंट होने की वजह से उनका डाइवर्स यूज है. प्लांट के अंदर मिक्सचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने की वजह से उन प्लांट्स के यूजेस भी बहुत ज्यादा है. अब हम लौंग है, लौंग को हम एज अ कॉन्डिमेंट भी यूज करते हैं, मसाला भी यूज करते हैं, एज अ टूथ एक के लिए लौंग का तेल मार्केट में भी फॉर्मुलेशन आती है,
उसके स्टमक केक की फॉर्मुलेशन भी आती है, अदर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में भी वो यूज हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसकी वजह से उनका कॉम्प्लेक्स एक्शन है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है। एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशंस के। ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड के अंदर कौन कौन से ड्रग्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, जैसे डिजिटेलिस, सेना, कैस्केरा, लिक्योर। अब ये ग्लाइकोसाइड क्या है? ये अलग से एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जिसकी अलग से क्लासिफिकेशन अलग से डिटेल में हमने पढ़ना है। वैसे एल्कलॉइड भी क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। मैंने बताया सेकेंडरी मेटाबोलाइट विल प्रोवाइड प्लांट्स डिफेंस मैकेनिज्म, विल मेड प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। एल्कलॉइड्स क्या है? नक्सवामिका, एर्गट, सिंकोना, धतूरा, ये सारे क्या है? एल्कलॉइड्स हैं। वैसे टैनिन कंटेनिंग ड्रग्स है, टैनिन भी क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि प्लांट प्रोड्यूस करता है अपने अंदर। माइरोबैलन, पेलकटाचू, शोका, ये क्या सारे टैनिन्स के अंदर आएंगे। वोलेटाइल ऑयल्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, रेजिन, रेजिन कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे आपके केमिकल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं। तो कुछ एक प्लांट्स देख लेते हैं। जैसे ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स क्या है? एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। कौन कौन से प्लांट्स है उसके अंदर? डिजिटालिस, सेना, कैस्केरा, लिक्योराइस। तो लिक्योराइस हमने अभी देखा, जिसको हमने क्या बोला? मुलट्ठी भी बोलते हैं, ग्लाइसराइजा। अब डिजिटालिस देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। तो आप लोग देख रहे हैं डिजिटालिस प्लांट, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में आता है। ग्लाइकोसाइड में भी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो दिस प्लांट इज वेरी मच यूज इन द कार्डिक डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। सेकेंड प्लांट आ गया सेना, तो ये भी ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर एंथ्राक्विनोन प्रेजेंट है, ज्यादातर एंथ्राक्विनोन, तो ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में आता है। अब जैसे लिक्योराइस आपने देख लिया, एक और प्लांट है जैसे डायस्कोरिया बोलूं, DIOSCORE, तो डायस्कोरिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, जो कि ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में आता है। उसी तरह से अगर एल्कलॉइड्स की बात हो जाए तो सबसे कॉमन आप एग्जाम्पल देख सकते हैं धतूरा, धतूरा प्लांट हमने किया। तो धतूरा की भी अलग अलग वैरायटीज हैं, जैसे धतूरा मेटल आपने देखा पिछले लेक्चर्स में। तो धतूरा स्ट्रैमोनियम की अगर बात करें तो ये धतूरा स्ट्रैमोनियम, तो ये एल्कलॉइड की क्लासिफिकेशन में एल्कलॉइड्स के अंदर आएगा। उसके हिसाब से जो सिलेबस के हिसाब से देखते हैं, नक्सवामिका एर्गट, ये आपको प्लांट दिखाता हूं मैं अभी, नक्सवामिका। तो नक्सवामिका भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, वेरी पॉइजनस ऑल्सो, बहुत ज्यादा पॉइजनस भी है नक्सवामिका प्लांट। तो नक्सवामिका सीड्स यूज करते हैं हम इसकी, तो वेरी वेरी पॉइजनस प्लांट। दिस इज द सीड, दिस इज द पार्ट यूज, ये सीड्स यूज होती हैं किसकी? नक्सवामिका प्लांट, जो कि एल्कलॉइड में। ठीक है, और कौन सा प्लांट है एल्कलॉइड्स में? एर्गट या सिंकोना देख लेते हैं पहले, क्योंकि क्यूनिन इससे हम निकालते हैं, क्यूनिन आइसोलेट करते हैं किससे? सिंकोना प्लांट से, CINCHONA। तो आपने CINCHONA, ये प्लांट आ गया, तो दिस इज द सिंकोना प्लांट, जिसमें से हम क्यूनिन आइसोलेट भी करते हैं। तो किस कैटेगरी में आ गया? एल्कलॉइड। तो एल्कलॉइड में भी आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है, क्यूनोलिन में आता है, वो हम डिटेल में करेंगे बाद में। टेनिन्स की बात करें तो जैसे अशोका और पेल कटाचू, तो पेल कटाचू इज वेरी वेरी कॉमन प्लांट। खदिर, पेल कटाचू, जैसे कत्था बोलते हैं हम इसको कई बार, अगर आपने सुना हो तो कत्था, मैं एक बार डालता हूं यहां पे, ये KAT, कत्था कटाचू। तो ये पार्ट इस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कत्था। तो ये पेल कटाचू प्लांट है, जिससे हमें कत्था मिलता है। तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है, ये प्लांट आपको याद रखना है, इसको हम डिटेल में भी करेंगे। जैसे एनकेरिया गैम्बर इसका नाम दे रखा है। दो तरह का प्लांट होता है, एक होता है पेल कटाचू, एक होता है ब्लैक कटाचू, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। ठीक है, तो हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे वोलेटाइल ऑयल्स की कैटेगरी में क्या है हमारे पास? पेपरमिंट, ग्लव, यूकेलिप्टस और गार्लिक। तो पेपरमिंट आप लोगों को पता ही है, दो तरह का मिंट होता है, मिंट आप लोगों ने देखा होगा, पेपर मिंट, और एक होता है स्पेयर मिंट। तो ये आ गया आपका पेपर मिंट। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उनके प्लांट्स में, डिफरेंस है जैसे मैं अगर स्पेयर मिंट लिखूं यहाँ पे, तो स्पेयर मिंट में भी वैसे ही आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनकी वैरायटीज में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आप वोलेटाइल ऑयल्स की बात करें तो यूकेलिप्टस ऑयल लिखा था, सफेदा, नीलगिरी के पेड़, नीलगिरी के वृक्ष, सफेदा जिसको हम बोलते हैं, इसमें से भी हम वोलेटाइल ऑयल आइसोलेट करते हैं। यूकेलिप्टोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हम किसमें यूज करते हैं? स्टीमिंग के कैप्सूल, जो स्टीम के कैप्सूल आते हैं मार्केट में। ठीक है, लेट मी शो यू, जो इनहेलेशन के लिए ये वाले कैप्सूल्स की बात हो रही है, इसके अंदर यूकेलिप्टस सफेदे से एक केमिकल कंपाउंड निकालते हैं जिसका नाम है यूकेलिप्टोल। ये लिखा भी है, देखो यूकेलिप्टोल। यूकेलिप्टोल किससे निकालते हैं? यूकेलिप्टस से। उसका यूज क्या है? एज अ स्टीम इनहेलेशन। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स आर यूज एवरीवेयर। ले रहे,
तो आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया है, वैसे ही इसमें अलग अलग प्लांट्स हैं। ओके, जैसे लिपिड्स की बात करें, कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स, कोड लीवर ऑयल। अब ये कोड लीवर ऑयल और शार्क लीवर ऑयल ये मैरीन सोर्सेज के भी एग्जांपल्स थे। जैसे कोड लीवर ऑयल कैप्सूल बहुत फेमस है, सोर्स ऑफ द विटामिन ए एंड डी। ये आपने अगर शायद किसी ने कंज्यूम भी किए हो तो ये किससे मिलते हैं हमें, ये फिश से हमें ऑब्टेन होते हैं। तो ये हमें इस फिश से ऑब्टेन होते हैं कोड लीवर ऑयल। वैसे हम शार्क के लीवर से भी ऑयल निकालते हैं जो कि हम यूज करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। सो नेक्स्ट आई थिंक केमिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्लियर है। द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट इज द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और नोन एज थेरापेटिक क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में कैसे क्लासिफिकेशन थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगी कि ड्रग का इफेक्ट क्या है, कैसे एक्ट कर रही है, क्या वो जीआईटी पे एक्ट कर रही है, तो हमने ड्रग्स को जीआईटी पे डाल दिया, क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई कर दिया जीआईटी पे। अगर वो ड्रग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट कर रही है तो हमने उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में डाल दिया। अगर क्रूड ड्रग्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट कर रही है तो हमने उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डालना है। अगर वो एएनएस पे एक्ट कर रही है या सीएनएस पे एक्ट कर रही है तो हमने उसको सीएनएस में डाल दिया। जैसे कॉमन एग्जांपल देखते हैं सीएनएस का, जैसे कैफीन, आप कॉफी लेते हैं, जितने भी स्ट्रिंग या रेडबुल एनर्जी ड्रिंक्स आ रही है उसमें कैफीन डाला है। कैफीन का इफेक्ट किसमें है, सीएनएस, लेकिन सीएनएस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तो उसको हमने सीएनएस स्टिमुलेट्स की कैटेगरी में डाल दिया। वैसे ही सीएनएस एनर्जेसिक भी है, जैसे ओपियम अगर कोई अफीम कंज्यूम कर ले तो सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा, वो सीएनएस डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आता है। तो सीएनएस उसको सेंट्रल एनर्जेसिक एज अ पेन किलर भी यूज करते हैं, किसको, मॉर्फिन को, जो हम ओपियम से आइसोलेट करते हैं, तो उसको हमने सेंट्रल एनर्जेसिक की कैटेगरी में ऐड कर दिया। वैसे डिप्रेसेंट्स में आ गए जैसे ओपियम, पैलाडोना अगेन और हायोसाइमस, वो सारे डिप्रेशन की कैटेगरी। कुछ ड्रग्स को खाने से हेलुसिनेशन होती है, मिथ्याभास होता है, नशा जिसको बोलते हैं, नशा आ गया, दिमाग कंट्रोल सेंसेस लॉस होना, सारे दैट इज द हेलुसिनेशंस, एक अलग ही दुनिया में इंसान पहुंच गया। दैट इज अगर कोई कैनाबिस भांग कंज्यूम कर ले या अफीम कंज्यूम कर ले तो हेलुसिनेशंस की कैटेगरी में उन ड्रग्स को हमने ऐड कर दिया। वैसे कई ड्रग्स कैंसर के अगेंस्ट काम करती हैं, जैसे विनका और पोडोफाइलम, तो उसको हमने एंटी कैंसर की कैटेगरी में। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ द क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि क्रूड ड्रग्स में मिक्सचर है किसका, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, इसलिए हमने यहां पे लिखना जरूरी है चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देयर फॉर देयर थेरापेटिक यूसेस। रिगार्डलेस इसमें हम ये चीज नहीं देखते, क्या नहीं देखते, मॉर्फोलॉजी नहीं देखेंगे, टैक्सोनॉमी नहीं देखेंगे, ना ही कोई केमिकल रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। ओके, तो जैसी जैसी ड्रग का इफेक्ट होगा वैसे वैसे उसको हम ऐड करते जाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, जैसे कैस्केरा एक ड्रग है, कैस्टर ऑयल एक ड्रग है, सेना को हम एक ही ग्रुप में डालते हैं जिसका नाम है परगेटिव और लैक्सेटिव, बिकॉज इनका एक ही एक्शन है, क्या एक्शन है, परगेटिव और लैक्सेटिव, तो उसको हमने परगेटिव और लैक्सेटिव की कैटेगरी में ऐड कर दिया। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ, जैसे कार्मिनेटिक्स या एंटीमिबिक, अब परगेटिव क्या है और लैक्सेटिव, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे परगेटिव के एग्जांपल देख लेते हैं, सेना और कैस्टर ऑयल। सेना प्लांट अभी आपने देखा, तो कैस्टर ऑयल ये भी एक प्लांट है, बहुत ही कॉमन कैस्टर प्लांट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज एज अ, इसमें से इनके बीजों से, सीड में से हम ऑयल निकालते हैं बेसिकली, दिस इज अ कैस्टर प्लांट एंड इट इज यूज एज अ परगेटिव। उसी तरह से एग्जाम्पल्स हैं एक्सपेक्टोरेंट के, कई प्लांट्स को हम एज ए एक्सपेक्टोरेंट खांसी में यूज करते हैं, जैसे वसाका और लिक्योराइस। तो लिक्योराइस आपने प्लांट देख ही लिया है, लेट मी शो यू वसाका, बहुत ही ज्यादा कॉमन, जिसको हम वसुट्टी बोलते हैं, हिमाचल में बहुत ज्यादा प्लांट पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा कॉमनली हर्ब है, इसको हम बोलते हैं वसुट्टी, दैट इज यूज एज अ एक्सपेक्टोरेंट। ओके, ब्रोंकोडायलेटर में जैसे टी और एफिड्रा, एफिड्रा भी आपको दिखाता हूँ, ब्रोंकोडायलेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, कौन सा, एफिड्रा, एफिड्रा जिरार्डियाना इसका नाम है, आप बस सुनते जाइए फिलहाल मुझे, क्योंकि आपको चीजें याद भी रखें, आपको एफिड्रा का पूरा बोटेनिकल नहीं माना चाहिए, बिकॉज इसको हम एल्कलॉइड की क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके अंदर एफिड्रिन एक एल्कलॉइड प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोंकोडायलेटर, फिलहाल आप इस प्लांट को ऑब्जर्व करें बस। देन कार्डियोटोनिक, कई प्लांट्स कार्डिक सिस्टम एक्ट करते हैं, डिजिटेलिस और स्क्विल, डिजिटेलिस आपने देख लिया है, स्क्विल सिंपल यस प्याज की बात हो रही है, लेकिन जंगली प्याज, जो कि हमने इस तरह का प्याज जो हमें खाना चाहिए, जो हमें मार्केट में कम देखने को मिलता है, इट इज यूज वेरी मच
यूजफुल फॉर द कार्डिक सिस्टम। उसी तरह से सेंट्रल एनर्जेसिक कैफीन आपको पता ही है, कॉफी आपने देखा है प्लांट, ओपियम आपने देख लिया, नक्सोमिका आपने देख लिया, कैनाबिस आपको ऑब्जर्व करवा लिया। देन एंटी कैंसर की प्लांट की बात करें तो विनका और पोडोफाइलम दो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी प्लांट्स हैं, जैसे विनका आपने देखा होगा, एक प्लांट जिसको हम बोलते हैं सदाबहार, तो ये फूल आपने कॉमनली देखे हैं, यस बिल्कुल देखे हैं, घरों में होंगे। तो ये इस प्लांट के अंदर एंटी कैंसर कंपाउंड्स हैं, इस प्लांट से दवाई बनती है एंटी कैंसर, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन को आइसोलेट किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये प्लांट खाना कंज्यूम कर दो जी कैंसर से बच जाओ, वो चीज नहीं है। इसके अंदर कंपाउंड्स को आइसोलेट करते हैं जिसका नाम है विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन, वो इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू विनक्रिस्टिन इंजेक्शन आ गया डायरेक्ट। तो विनक्रिस्टिन इंजेक्शन इज यूज इन द कीमोथेरेपी ऑल्सो, इस तरह की दवाइयां हम बनाते हैं इस प्लांट में से। ओके, दूसरा प्लांट था इसमें विनका के साथ पोडोफाइलम, तो पोडोफाइलम भी हिमालयन रीजन का प्लांट है। जस्ट सी हियर पोडोफाइलम को देख लो एक बार आप इनका, दिस इज अ पोडोफाइलम प्लांट, ये भी एक एंटी कैंसर प्लांट आपका है। उसी तरह से इम्यूनोमॉड्यूलेटर में जिनसेंग और अश्वगंधा, जिनसेंग और अश्वगंधा, तो जिनसेंग आपने देखा है पहले भी, पेनेक्स पी ए एन ए एक्स जी आई एन एस ई एन जी, पेनेक्स जिनसेंग इस प्लांट का नाम है, तो दिस इज द प्लांट। और अश्वगंधा, अश्वगंधा का नाम है विदानिया सोमनीफेरा, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज द अश्वगंधा। विंटर चेरी भी हम इसको बोलते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको हमने इम्यूनोमॉड्यूलेटर कैटेगरी में ऐड किया है। तो लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट इज द कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब व्हाट इज दिस कीमोटैक्सोनॉमिकल, आपने केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी, ओके, जिसमें आपने केमिकल कॉन्स्टेंट्स पे फोकस किया, आपने टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी जिसमें आपने किसकी बात की, फाइलम ऑर्डर जीनस स्पीशीज की बात की। अब ये कीमोटैक्सोनॉमिकल का क्या है, कॉम्बिनेशन किसका, केमिकल प्लस टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। द एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग हैज रिवील्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस। धीरे धीरे जैसे हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें पता चल रहा है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द टैक्सोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द प्लांट एंड देयर केमिकल कंपोजिशन। तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें, जैसे कोई एग्जांपल दे रखा है, यस दिस इज एग्जांपल गिवन ओवर हियर, जैसे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स हमने देखा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, एल्कलॉइड्स में एक क्लासिफिकेशन आएगी ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स सोलानेसी फैमिली में हमें मिलते हैं, तो ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई, कीमोटैक्सोनॉमिकल। तो क्रूड ड्रग्स को हमने क्लासिफाई इस तरह भी करते हैं, दैट इज द कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लस देयर टैक्सोनॉमिकल प्रोफाइल को भी हम देखते हैं। जैसे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स को हमने क्लासिफाई किया सोलानेसी फैमिली, तो ऑल द ट्रोपेन एल्कलॉइड या मैक्सिमम ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोलानेसी, दैट इज एज पर कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कीमोटैक्सोनॉमी एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोजीशन ऑफ द प्लांट एंड अटेम्प्ट टू यूटिलाइज द केमिकल फैक्ट्स फॉर मोर एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल मेटाबोलाइट्स। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर स्पीशीज में, किस पर्टिकुलर जेनरा में कौन से केमिकल कंपाउंड हैं। दैट इज, इसमें एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि एसेंशियल ऑयल, वॉलेटाइल ऑयल की बात हो रही है, वॉलेटाइल ऑयल्स, तो वॉलेटाइल ऑयल्स हमें ज्यादातर अम्बेलीफेरी फैमिली में भी देखने को मिलते हैं, अम्बल अम्बेलीफेरी। ठीक है, अम्बेली यू एम बी डबल एल आई एफ ई आर ई, तो अम्बेली फेरी में हमें वॉलेटाइल ऑयल मतलब टर्पीन्स, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, टर्पीन्स देखने को मिलते हैं। तो हमने एक केमिकल को सेपरेट कर लिया, ठीक है, केमिकल्स को कीमोटैक्सोनॉमी के हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया। तो आपको याद रखना है, कीमोटैक्सोनॉमी हैज ब्रॉट द प्लांट केमिस्ट बैक टू द सिस्टमेटिक बॉटनी इन विच इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट सर्टेन कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड टू कैरेक्टराइज इन सर्टेन ग्रुपिंग। सिंपल, आई एम रिपीटिंग अगेन, तो इन दिस सिस्टम इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन फॉर द टैक्सोनॉमिकल स्टेटस प्लस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स बिलोंग टू द सोलानेसी फैमिली, वोलेटाइल ऑयल फाउंड इन द एम्बेलीफेरे। तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है, किसमें, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। रिकॉल करिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, अल्फाबेटिकल कर लिया, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल, लास्ट इज द, दिस इज न्यूअर मेथड, सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। तो सबसे पहले व्हाट इज सीरोलॉजी,
So it is defined as that portion of biology which is concerned with the nature and interaction of the antigenic materials and antibodies. I hope you know about antigen or antibody because हमने microbiology में थोड़ा बहुत antigens और antibodies के बारे में देखा है. तो antibodies हमारे body में produce होती है in response to the antigen. Antigen कोई भी एक foreign substance हो सकता है जो कि हमारे immune system को trigger करे. Okay? और वो कोई toxic compound भी इसमें ज़्यादातर involved होते हैं. तो serology क्या है? It deals with the study of interaction of the antigen and the antibodies and the protein most widely used as antigen. ऐसे प्रोटीन जो एंटीजन यूज करते हैं द सीरोटैक्सोनॉमिकली आर दोस विच कैरी यूजफुल टैक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन. अब वही वाला सिद्धांत एंटीजन एंटीबॉडी का. व्हेन द फॉरेन सेल्स और यू कैन से द एंटीजन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस होंगी? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एंड द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटीजन एंड द हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल produced by the plasma cell in the immune system in response to the antigen is known as the antibodies. Uske against immune system mein antibodies banti hai. So the system is based upon the similar plants by means of differences in the protein they contain. To isme is classification mein it is based upon the similar plants by means of the differences in the protein they generally contain. Ab ek process dekhte hain serotaxonomy mein hota kya hai. Sabse pehle the protein एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट ओरिजन जिसको हमने एंटीजन कहा है वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. फिर एक लैब एनिमल में उस एंटीजन को इंजेक्ट कर देंगे. द एंटीजन इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल टू फॉर्म एंटीबॉडीज क्योंकि हमें पता है कि एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी. द एक्सपेरिमेंटल एनिमल क्या बनाएगा? इट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन और उस सीरम को द सीरम विद एंटीबॉडीज नोन एज द एंटी सीरम उसको हम क्या बोलेंगे सीरम पार्ट को एंटी सीरम. और दिस एंटी सीरम इज देन मेड टू रिएक्ट इन विट्रो विद एंटीजेनिक प्रोटीन एज वेल एज प्रोटीन ऑफ अदर टैक्सा हूज एफिनिटीज आर टू बी डिटरमाइंड. तो इस एंटी सीरम को हम फिर टेस्ट करेंगे इन विट्रो में इसी किसी जो प्लांट हमने सेलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर टैक्सा को जो प्लांट बिलोंग करेगा. टैक्सा का मतलब है बायोलॉजी में इज अ ग्रुप of one or more population of an organism. तो आपने उस एंटी सीरम को इन विट्रो स्टडी करना है एंटीजेनिक प्रोटीन के साथ अदर टैक्सा की भी उस प्लांट के अलावा उसकी अदर टैक्सा के साथ उसको कंपेयर करेंगे और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे. और द डिग्री ऑफ द प्रेसिपिटेशन शोज द डिग्री ऑफ होमोलोगी. तो जिससे हमें अगर प्रेसिपिटेशन होगी सपोज तो इट विल टेल अस अबाउट कि वो टैक्सस में उस सिमिलर पैटर्न पे प्लांट्स हम रख सकते हैं इस क्लासिफिकेशन में उन ड्रग्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. लेट्स रिकॉल अगेन. सो सबसे पहले आपने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया किसी प्लांट से और एंटीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया. एंटीजन को इंजेक्ट किया एनिमल में. एनिमल में इंजेक्ट करने के बाद एंटीबॉडीज बनेगी एनिमल में. देन हमने एंटी सीरम ऑब्टेन कर लिया और उस एंटी सीरम को ऑब्टेन करने के बाद हमने उसको रिएक्ट किया इज मेड टू रिएक्ट विद इन विट्रो विद द एंटीजेनिक प्रोटीन of all other taxa, उस प्लांट के मिलते जुलते टैक्सा से हमने उस प्रोटीन को रिएक्ट करवाया इन विट्रो ताकि हम उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सके. क्लियर? एंड द अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन शोज द डिग्री ऑफ द होमोलॉजी. तो ये कुछ अलग तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको हमने नाम दिया है सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरोलॉजी इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ बायोलॉजी विच इज कंसर्न विद द नेचर इंटरेक्शन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल एंटीजेनिक मटीरियल एंड द एंटीबॉडीज. तो एंटीजन एंटीबॉडीज की रिलेशनशिप है इसमें हम तो स्टडी करते हैं. तो इट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्रोटीन ऑफ द एंटीसीरा. तो बेसिकली इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एंटी सीरम ऑब्टेन करके अलग उस प्लांट की डिफरेंट टैक्सास को कंपेयर करते हैं उस एंटी सीरा के हिसाब से ताकि उसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा सके. दैट इज ऑल अबाउट द सीरोटैक्सोनॉमी. सो आई होप नाउ वी विल कंप्लीट द चैप्टर ऑफ यस क्लासिफिकेशन. हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली क्रूड ड्रग्स की और इन द लास्ट आई एक्नॉलेज ऑल द सोर्सेज आई हैव यूज्ड. सो डू नॉट शेयर दिस वीडियो. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.